नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आया हूँ आपको पता ही होगा, तो इसका नाम है कड़ी पत्ता की चटनी। कड़ी पत्ता आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली बेनिफिट करता है आदमी को। तो जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, अगर आप वो आदमी इसको एक महीना लगातार इस चटनी को खाए, बशर्ते बाकी के परहेज भी जारी रखे, तो उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम हो जाएगा और बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ जो भी हम इसके साथ तो दूसरे बाकी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार है। जैसे आपका यहाँ पे हम मूंगफली दाने का प्रयोग करेंगे, तो वो भी बहुत ही बढ़िया जो है इसको कम करता है कोलेस्ट्रॉल को। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इसके लिए मैंने जो पत्ते लिए हैं, बड़े ही टेंडर और बड़े ही यंग पत्ते लिए हैं, जो कड़ी पत्ते के होते हैं ना, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो गुण है, जो केमिकल है, वो पाया जाता है। तो आपने ताज़े पत्ते लेने हैं बिल्कुल, और उन लगभग मैंने ये 100 ग्राम पत्ता लिया है अपना कड़ी पत्ता। तो इसके साथ मैंने 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 7-8 कलियां लहसुन की, और 1.5 इंच मैंने अदरक जो है वो लिया है। तो आपको पता ही है कि अदरक जो है ये भी गले को और पाचन में बड़ा हेल्पफुल होता है, और लहसुन जो है ये भी आपका बीपी कंट्रोल करता है, और जो टमाटर है ये भी आपका ब्रेन हेल्थ के लिए और कैंसर विरोधी होता है, और प्लस ये जो है टमाटर जो है इसमें लिकोपिन जो पाया जाता है, उससे भी आपका जो हार्ट की हेल्थ है बहुत बढ़िया रहती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके बीच में यूज़ करेंगे। तो अभी गैस को हम ऑन कर देते हैं, सिर्फ बड़ा ही थोड़ा सा हम इसके बीच में थोड़ा तेल डालेंगे, क्योंकि आधा एक छोटा चम्मच तेल जो है हम इसके बीच में डालेंगे, और सिर्फ हम इसके बीच में कोई आधा एक छोटा चम्मच जीरे का भी डालेंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है हमारे प्याज लहसुन अदरक और टमाटर जो है, और उसके बाद में हम जो आपका मूंगफली दाना वो भी डालेंगे। तो इनको डाल के हमने इनको थोड़ा शैलो फ्राई सा करना है, और आँच जो है हमने लो से मीडियम के बीच में रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी है, और मोटा मोटा काट के हमने इसके बीच में डाला, क्योंकि बाद में हमने इसका एक बड़ा ही स्मूथ एक पेस्ट बनाना है। तो अभी मैंने इसके बीच में लहसुन अदरक और प्याज डाला है, और अभी इसके बीच में मैं ये मूंगफली के दाने डाल रहा हूँ, कोई 2-3 बड़े चम्मच ये मूंगफली के दाने हैं। तो जो मूंगफली का दाने हैं ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ये, इसलिए हम मूंगफली के दाने भी इसके बीच में यूज़ कर रहे हैं। और बाद में काट के थोड़ा सा 2 हमने टमाटर वो डाले, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया। तो नमक डालने से जल्दी ये टेंडर हो जाएंगे और जल्दी ये गल जाएंगे, थोड़े से तो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो आप अपनी मर्जी अनुसार थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसके बीच में। ढक के कोई हम इसको 4-5 मिनट पकाएंगे, और अभी आप ये देखेंगे सारा ही ये जो हमारे मसाले हैं, जो अदरक लहसुन और प्याज या टमाटर है, ये सारा अच्छी तरीके से भी हमारा ये गल गया, और थोड़ी सी अभी जस्ट कसर बाकी है, 2-4 मिनट हम इसको भी और पकाएंगे। तो प्याज हमारा ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, और टमाटर भी हमारा ये गल गया है, तो ऐसा ही हमें चाहिए था। पानी अभी हमने इसके बीच में बिल्कुल नहीं डालना, पानी हम बाद में डालेंगे जब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए कि अभी ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है, इसको हम गैस बंद करेंगे और इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और निकाल के इसको ठंडा होने देंगे कोई 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट बाद फिर हम इसकी जो है वो अच्छा पीस के एक अच्छी सी इसका पेस्ट बनाएंगे। अभी उसी पैन को साफ़ करके मैंने ये देखो कि 2-4 बूंदें ही मैंने इसके बीच में तेल की डाली हैं, तो ज़्यादा तेल हमें इसमें यूज़ नहीं करना। तो तेल डालने के बाद जो अभी अलग से अभी हम कड़ी पत्ते जो लिए थे, कड़ी पत्ता को ये लगभग 100 ग्राम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हम डाल के इसको शैलो फ्राई सा करेंगे, और जैसे ही हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे जो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और बिल्कुल ही ये कम आपको पता है सिकुड़ जाता है ये कड़ी पत्ता। तो ये हमने थोड़ा सा इसको
शैलो फ्राई जैसा हमने इसको करना है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये जो कड़ी पत्ता है इसको हमने ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करना है, उतना ही करना ताकि इसका जो कच्चापन है वो सिर्फ दूर हो सके। जैसे इसका कच्चापन दूर होगा और ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा तो हम इसको गैस को बंद करके इसको उतार देंगे। तो लगभग ये देखेगा भी हमारा ये कड़ी पत्ता गल गया, लेकिन हमने ज़्यादा भी इसको नहीं हीट पे करना, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा और इसका जो जूस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और हमारे को क्वालिटी वो वाली मिलेगी नहीं जो हमें चाहिए। तो इस स्टेज पे ये हम बिल्कुल वैसे ये रेडी है। तो अभी हम अगर चाहें तो एक आधा मिनट और पका सकते हैं, वैसे तो ये रेडी है। हम इसको अभी उतार के गैस बंद करके तो अभी हम इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, ये हमारा मसाला सारा ठंडा हो गया। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पहले ये जो प्याज अदरक लहसुन और ये टमाटर वाला जो हमने हिस्सा है ये सारा ये इसके बीच में डालना है। इसके बाद में दो तीन हम हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च से थोड़ा सा इसमें तीखापन आएगा, अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं और अगर नहीं खाते तो आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये थोड़ी मोटी सी हरी मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसलिए तीन एक मैं ये डाल रहा हूँ। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया से भी बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। और धनिया भी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा हमने धनिया डालना है ताकि हल्की सी महक हमें धनिया की भी इसके बीच में आए और ये चटनी हमें और ज़्यादा स्वाद लगेगी इसके साथ। तो ये डालने के बाद कड़ी पत्ता जो हमने अभी फ्राई किया है वो डाल दो आप, और नमक कोई 1.5 चम्मच, मैं इसमें बड़ा चम्मच डाल रहा हूँ और क्योंकि चटनी में नमक थोड़ा तीखा ही होता है, तेज़ होता है थोड़ा, तो इसलिए आप उसमें डालें। और 3-1 चम्मच मैंने विनेगर डाला है और आधा एक कप मैंने इसके बीच में अभी पानी का डाल दिया है। अभी ये सब डालने के बाद इसको हम बंद करेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे चला के अच्छी तरीके से। तो ये देखिएगा अभी चलाने के बाद हमने इसको अभी ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा कितना ही बढ़िया ये अभी जो इसकी कड़ी पत्ते की जो चटनी है ये बन तैयार हो गई है। बहुत ही शाइन कर रही है, बहुत ही एरोमेटिक है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप ये देखेंगे बिल्कुल भी पतली नहीं है। अगर आप चाहें इसको थोड़ा पतली करना थोड़ा आप पतली भी कर इसको थोड़ा और पानी डाल के पतला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला जो इसका जो कंसंट्रेशन है ये इतनी बहुत बढ़िया है। तो इसके बीच में मैंने जो विनेगर डाला उसकी जगह पे आप नींबू भी डाल सकती हैं, और नींबू नहीं है तो आप वाइट वाला विनेगर यूज़ कर सकती हैं। और मैंने ये विनेगर का यूज़ किया ताकि अगर आप इसको महीना भर चलाना चाहें चटनी को तो आपकी चटनी ये ख़राब नहीं होगी, और इसलिए मैंने इसको वाइट विनेगर इसके बीच में डाला है। और अगर आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें चीनी का डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए कोई भी दूसरा सामान हमने इसको इसमें नहीं डाला, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको रॉ अपना कड़ी पत्ते का ही यूज़ ज़्यादा किया है ताकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सके। सेहत को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हमने कंसनट्रेट जो किया है वो सारा कड़ी पत्ते पर किया है। तो ये बहुत ही स्वाद और बहुत ही टेस्टी है, अभी अपनी हमारी चटनी बन के तैयार है। तो आप इसको इडली के साथ, डोसे के साथ, सांभर और उसके साथ उत्पम के साथ सर्व कर सकती हैं, एज ए डिप भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं, आप इसको परांठे के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं, कोई सब्जी है या कोई सलाद है सलाद के ऊपर डाल के आप इसको खाना चाहें तो खा सकते हैं। और गारंटी है कि अगर आप महीना भर इस चटनी 1 चम्मच इसका डेली चटनी का खाएंगे तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना महीने बाद ज़रूर वो इम्प्रूव हुआ होगा, बशर्ते कि आप बाकी का जो सारे परहेज हैं उसको साथ में करते रहें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और इसको कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।